विगत दशकों से नवी मुंबई में बांधकाम व्यवसाय ने अपना कदम जमा रखा है, जहां आज के दौर में सर्वत्र राज्यों से लोगों का नवी मुंबई में रहवास है। ऐसे में रहने के लिए उचित जगह यानी नवी मुंबई को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाता है। देश भर में बांधकाम व्यवसाय पर मंदी छाई होने के बावजूद नवी मुंबई में बिल्डरों ने अपना वर्चस्व कायम रखा है। आगामी समय में नवी मुंबई शहर बेस्ट के लिस्ट में प्रथम श्रेणी पर रहेगी, इसमें तनिक भी संशय नहीं जताई जा सकती। इसी पर ध्यान देकर एक वर्ष पूर्व ही नए उभरते यंग बिल्डरों ने यूथ नामक संगठन की स्थापना की थी। आगामी समय में व्यवसायिक कामों में कई दिक्कतें उपलब्ध हो सकती है, ऐसी परिस्थिति में इन समस्याओं को हल निकाला जाए, इस उद्देश्य से इस संगठन की स्थापना की गई थी। शुक्रवार को यूथ संगठन का वार्षिक वर्धापन दिन मनाया गया, दौरान न्यू अध्यक्षों की नियुक्ति की गई। इस समय अनेकों ने अपनी भावना को व्यक्त किया है। यूथ एसोसिएशन वॉज फॉर्म्ड इन 2013। अभिषेक लोढ़ा जी ने इनका फॉर्मेशन किया था, बहुत ही ग्रैंड लेवल पे हुआ था। इन लास्ट 3 ईयर्स अंडर द प्रेजेंट टीम यूथ हैज डन फंटास्टिक अचीवमेंट्स इन टर्म्स ऑफ लॉट ऑफ सेमिनार्स, प्रॉपर्टी एग्जीबिशन, शेयरिंग ऑफ नॉलेज, स्टडी टूर्स में वी हैव डन लोकल स्टडी टूर एट पलावा सिटी, वी हैव डन अ स्टडी टूर एट जापान स्मार्ट फुजीसावा। उसके अलावा CBRE के साथ में बहुत बड़ा प्रॉपर्टी एग्जीबिशन किया है। हर महीने हमारा हॉट टॉपिक्स के ऊपर कुछ ना कुछ सेमिनार चलता है, नॉलेज शेयरिंग चलता है। स्पेशली ऑल द यंग डेवलपर्स अंडर वन रूफ शेयरिंग देयर नॉलेज विद ईच अदर। आज किसकी प्रॉब्लम है, कल किसकी प्रॉब्लम है, तो वी स्टैंड बाई ईच अदर एज अ यूनिटी एंड वी ट्राई टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स। इसमें हमने यूथ डेवलपर्स ने मिलकर जो एक एसोसिएशन बनाया है, उसमें काफ़ी मेम्बर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं एंड हम अपने मेंबर्स के लिए काफ़ी एक्टिविटीज़ करते हैं, और हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि हमारे इंडस्ट्री को इस एसोसिएशन से फ़ायदा हो। तो पिछले साल मई के महीने में हमने एक प्रॉपर्टी एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज़ किया था, जिस में हमने खाली प्रॉपर्टीज़ ही डिस्प्ले नहीं की थी, बट इंडस्ट्री को लेके काफ़ी सब्जेक्ट्स पे हमने एक्टिविटीज़ की थी और पैनल डिस्कशंस किए थे। काफ़ी कस्टमर्स आते हैं वहाँ पर और उन्हें जानना था कि जो दिक्कतें हैं आजकल, जैसे कि कंप्लायंस की हैं, रेरा कंप्लायंट होना चाहिए डेवलपर को, तो काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स पे हमने अलग तरीके से इस एग्जीबिशन में कस्टमर्स को जानकारी दी कि किस तरीके से एक अच्छे डेवलपर से एक अच्छा घर उन्हें आसानी से मिल सकता है। आज हमारा सेकंड AGM है और इस AGM में नया कमिटी आने वाला है, नया प्रेसिडेंट भी आएगा, और अगला 2017 जो है इसमें रेरा आने वाला है, जो रियल एस्टेट जो हिसाब से बिजनेस हो रहा था वो हिसाब से अभी चेंज होगा, उसमें कई सारे मुद्दे चेंज होने वाले हैं। GST आने वाला है, तो 2017 में कई सारे गवर्नमेंट के नए रूल्स आने वाले हैं, जो कि पिछले 50 साल से हम लोग जिस तरीके से बिजनेस कर रहे थे वो अभी आगे वैसा नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सारा एजुकेशन, बहुत सारा डिफ़िकल्टी तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन चेंज ऑफ मेथड होएगा, तो उसके लिए हम लोग, मैं उम्मीद करता हूँ जो नया टीम आएगा वो जो प्रोसेस है वो प्रोसेस में हम सबको साथ में लेके आगे जा पाएगा। सर्वप्रथम नवी मुंबई आवाजच्या सर्व प्रेक्षकांना यूथ असोसिएशन तर्फे सर्वांना सप्रेम नमस्कार। आणि आपल्या देशामध्ये जसं आपण बघितलं की 35 वयोगटाच्या आतली जी जनसंख्या आहे, मोर दॅन 60% ऑफ द पॉप्युलेशन इज इन दिस फॉलिंग इन दिस यंग यूथ ग्रुप, तर त्यामुळे एक नवीन प्रयास आहे, नवीन प्रयत्न आहे की सगळे यंग लोक जे आहेत, सगळं आपण म्हणतो, सगळ्यांना म्हणताना ऐकतो की यूथ आर द फ्युचर ऑफ द कंट्री, त्यामुळे एक प्रयत्न असा केलेला आहे की सगळे यंग डेव्हलपर सोबत येऊन एकामेका सहाय्य करू आणि अवघे आपण वरती जाऊ, असा एक प्रयत्न आहे की सगळ्यांनी सोबत येऊन जर युनायटेड आपण राहिलं तर आपल्या इंडस्ट्रीसाठी काही ना काही पॉझिटिव्ह क्रिएट करू शकतो। आणि आमच्या इंडस्ट्रीला अशी गरज आहे की सगळे युनायटेड येऊन आपण एकत्र जे चॅलेंजेस आहेत ते सॉल्व्ह करू, एकत्र गव्हर्नमेंटशी कोऑर्डिनेट करू, एकत्र सगळ्या ऑर्गनायझेशनशी कोऑर्डिनेट करू, सो दॅट सोबत मिळून आपण सिटीजला डेव्हलप करू शकतो। आणि आपण बघाल की शहरांचं निर्माण कोण करतं, तर गव्हर्नमेंट त्याच्या प्लॅनिंगमध्ये डेफिनेटली आहे, पण ते एक्झिक्यूट करण्यामध्ये डेव्हलपर्स जास्तीत जास्त सहयोग देतात। तर जिथे डेव्हलपर्सचे चॅलेंजेस सॉल्व्ह झाले, डेव्हलपर्सचे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झाले, तर शहराच्या निर्माणामध्ये खूप चांगलं एक हातभार लागू शकतं। तर तो आमचा प्रयत्न आहे की सगळे यंग लोक सोबत येऊन आपल्या पूर्ण इंडस्ट्रीला पुढे नेणार। आणि आपण नेहमी बघितलं की जेव्हा जेव्हा रिअल एस्टेट इंडस्ट्रीने प्रॉस्पर केलेलं आहे, एन्टायर मार्केट म्हणजे एन्टायर इंडस्ट्री त्याच्यामागे जोमाने ग्रो झालेली आहे। तर आता आजच्या काळाची गरज आहे की आपण सगळे सोबत येऊन काही ना काही एक नवीन क्रिएट करूया, तर तो आमचा प्रयास आहे। आणि यूथ असोसिएशनचा नेहमी प्रयास
राहिलेला आहे, तर आमच्याकडून अशा बऱ्याच अनाउन्समेंट्स पुढे ऐकायला मिळतील आणि यापुढे पण आपली ग्रोथ अशीच सुरू राहणार आहे. आणि नवी मुंबईच्या विकासामध्ये जे जे काही लागणार आहे, म्हणजे ज्या ज्या घटकांमध्ये नवी मुंबईमध्ये चॅलेंजेस येतात किंवा नवी मुंबईच्या ग्रोथमध्ये जे जे आता एक एक छोटे छोटे माइलस्टोन जे अचीव करायचे आहेत ते सगळे आपल्याला सोबत मिळून करायचे, तर त्यामुळे आमचा सगळ्यांचा प्रयास त्याच्यामागे राहील. हमारा एसोसिएशन सब यंग डेवलपर्स हैं, जिसमें अब सब मिलके एक जो प्रॉब्लम है, जो हर एक को सेम ही प्रॉब्लम होती है, उन सबको मिलके हम सॉल्व करेंगे तो जल्दी सॉल्व हो जाती है. तो उसी तरीके से हम सब यंग डेवलपर्स एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साथ में आए हैं और ये एसोसिएशन बना, और इसी से आगे बढ़ के जितनी प्रॉब्लम्स हैं आज, जितने नए रूल्स आ रहे हैं, उन सबको एक्सपर्ट्स बुला के समझना और सारे प्रॉब्लम्स गवर्नमेंट तक लेके जाना, वही सब है मोटो. वीडियो जर्नलिस्ट मूसा के साथ शिखर हमप्रेस की रिपोर्ट.